वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग एक नई वेब सीरीज जो कि रिलीज हो चुकी है अल्ट बालाजी पे, जिसका नाम है बेकाबू। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया अभिषेक चौबे ने, जो इससे पहले बॉलीवुड की कुछ फिल्में बना चुके हैं, जैसे कि इश्किया और या डेढ़ इश्किया आप कह सकते हो। उसके अलावा इसमें हमें नजर आते हैं राजीव सिद्धार्थ, वो इनका साथ निभाते हैं, नजर आ रही मधु स्नेहा और प्रिया बनर्जी वही है जो अभी आजकल हाल फिलहाल में वेब सीरीज में काफी चर्चित नाम हो गई है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो ये अल्ट बालाजी की सबसे पहली साइकोलॉजिकल इरोटिक साइकोलॉजिकल ट्रिलर वेब सीरीज है। इसमें हमें तकरीबन 10 एपिसोड नजर आते हैं, हर एपिसोड 20 से 15 मिनट के है। और मैं सच बता रहा हूँ, कहानी पर फोकस जाएगा नहीं, कहानी अच्छी है वेब सीरीज की, देखने लायक है, लेकिन फिर भी इरोटिक सीन्स इसमें नेक्स्ट लेवल के, इतने जबरदस्त तरीके से इरोटिक सीन्स बताए कि आप सोचोगे कि पॉर्न मूवीज को सिर्फ छूते छूते रह गए। मतलब पॉर्न मूवीज जिस तरह के बनती है, बस एक पायदान अभी अल्ट बालाजी नीचे है इस वेब सीरीज के बाद। कुछ सालों में अल्ट बालाजी पे पॉर्न मूवीज भी रिलीज होगी, जिस तरीके से ये मूवीज बनाई गई है, ये एक साइकोलॉजिकल इरोटिक ट्रेलर है। हालांकि ट्रेलर में ये लोग ने बता दिए थे कि भाई ये इरोटिक वेब सीरीज है, लेकिन जो लेवल की इरोटिक वेब सीरीज है भाई, तो जिन लोगों को इरोटिक मूवी पसंद है भाई, उनको 100% पसंद आएगी। स्टोरी अच्छी है, लेकिन लोगों का स्टोरी पे ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि प्रिया बनर्जी के इतने लाजवाब सीन है और मधु स्नेहा के भी है, जो आप लोगों को स्टोरी पे ध्यान देंगे नहीं। ये हालांकि एक रिवेंज ड्रामा भी कह सकते हो आप, बहुत गजब की बनाई। जो इसमें विलन होता, आपको एंड तक इसमें विलन को गैस ही नहीं कर पाओगे, और इसके एपिसोड ज्यादा बड़े भी नहीं और ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर है। तो कुल मिला के वेब सीरीज उन लोगों को देखनी चाहिए जिन लोगों को इरोटिक वेब सीरीज या मूवीज पसंद है, और उन लोगों को देखनी चाहिए जिनको साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज या मूवीज देखना पसंद है। तो कुल मिला के ये दोनों ऑडियंस के लिए, जिन लोगों को थ्रिलर देखना वो भी देखे, जिनको इरोटिक्स देखना वो भी देखे। हाँ, लेकिन यह है कि ये बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, ना कि जो घर में जो फैमिली मदर फादर या उन बहन सिस्टर उन लोगों के लिए नहीं है। आइए अकेले बैठ के देखिए, इंजॉय करेंगे, आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगी। और जितने भी एक्टर हैं इसमें, तीनों ने अपना हिस्से का काम बहुत ही बाखूबी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से निभाया। अल्ट बालाजी की वेब सीरीज देखने लायक है, मगर सब लोगों के लिए नहीं है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस वेब सीरीज में जो बुरी बात मुझे लगी कि काफ़ी कैरेक्टर के जो डिटेल बताना चाहिए था वो डिटेल पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी फुल ऑन ये एक टाइम पास वेब सीरीज है, और आप लोगों को देखना है तो आप ज़रूर देखना। लेकिन फिर भी यार, इरोटिक सीन जिस तरह से अल्ट बालाजी डाल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो इंडियन टेलीविजन के हिसाब से लोगों को सोचना चाहिए कि एक नेक्स्ट लेवल की आप वेब सीरीज बनाओ, आप स्टोरीज बनाओ, आप कुछ नया करो। लेकिन जो आप कर रहे हो इरोटिक सीन्स के, वो मुझे थोड़ा हजम नहीं हो रहा। मगर फिर भी अगर जिस तरीके से आजकल के यूथ को देखा जाए, क्योंकि मैंने बेकाबू के ट्रेलर में देखा था, काफ़ी लोगों के कमेंट है, तो जितने भी इरोटिक्स लोग जिनको पसंद करे, तो मैं समझ गया कि भाई ये वेब सीरीज सिर्फ उन लोगों को नज़र में रखते हुए बनाई गई। क्योंकि जो साइकोलॉजी जो थ्रिलर पार्ट है वो आप बहुत अच्छी तरीके से बनाए, लेकिन जो इरोटिक सीन्स है वो थोड़ा मुझे ओवर द लिमिट लगा। फिर भी फुल ऑन ये वेब सीरीज देखने लायक है, अगर आप लोगों को देखनी तो इसको अल्ट बालाजी पे जाके देखिए, और ये कुछ डाउनलोडिंग साइट्स पे भी अवेलेबल है या हो जाएगी। अगर होती है तो मैं आपको लिंक जरूर शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना, अगर आप लोग को ये वीडियो जरा भी पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस कर दो। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।